ঠিক আছে। तो अब देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको, या अब मैंने शीट पे कुछ डेटा बनाया हुआ है, ठीक है जी। आज मैं जो दिखाने वाला हूँ इसमें पेस्ट स्पेशल का यूज दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है सर। तो इसमें कुछ डेटा है मेरे पास और यहाँ पे डेट है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे एक रेंट बिटवीन का फॉर्मूला है। रेंट बिटवीन का फॉर्मूला पता होगा सर आपको? नहीं। रेंट बिटवीन का फॉर्मूला 10 से 90 के बीच में, 10 से 90 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू शो कर रहा है। और ये शीट में जैसे ही कोई चेंज होता है, या मतलब जैसे फॉर्मूला आपका कैलकुलेट होता है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अच्छा, इसका यूज मैं सिर्फ इतना करूंगा कि जैसे पेस्ट एज वैल्यूज के लिए हम फॉर्मूला का करते हैं ना, हाँ वही पेस्ट एज वैल्यूज पता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें मेरे पास कुछ कमेंट है और यहाँ पे मेरे पास डेटा वैलिडेशन लगाया है मैंने। डेटा वैलिडेशन आपको पता होगा हम इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए करते हैं कि इसमें लिस्ट के अलावा कोई आइटम और एंट्री ना हो पाए, ठीक है जी। ओके। मैं डाटा वैलिडेशन का सुना है, मैं कभी इस्तेमाल नहीं किया कोई है, दिक्कत नहीं तो सर, मैं अभी मैं खाली इसका ना इंट्रो दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये आगे डिटेल में आएंगी ये चीजें, ठीक है जी। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट इस पे कॉपी करा डाटा, पेस्ट स्पेशल पे गया। पेस्ट स्पेशल में ये विंडो मेरे पास खुल जाती है, ठीक है जी। इसमें हम वैल्यूज के हाँ लिए वैल्यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए वैल्यूज तो आ गई मेरे पास, पर इसमें मेरे पास डेट फॉर्मेट में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, है ना। और सेल्स में जो नंबर्स आ रहे हैं उन वो डबल डेसिमल वगैरह नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये और हाँ नंबर, सॉरी, और नंबर्स भी अलग अलग सा दिख रहे हैं भाई। हाँ वो नंबर इसलिए दिख रहे हैं जैसा मैंने बताया था ना, रेंट बिटवीन का फॉर्मूला करता है। तो इनफैक्ट फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, जो वैल्यू प्रीवियस थी वो आ गई चेंज होने के बाद। अच्छा, अब वो फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया कि वो अपने आप चेंज होता रहता है। तो जनरली हम पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं फॉर्मूला को हटाने के लिए, ठीक है जी, खाली हाँ, वैल्यूज। पर वैल्यूज लाने के पर्पज में हम एक और चीज इसमें लॉस कर रहे हैं कि हमारा डेट फॉर्मेट लॉस हो रहा है, दूसरा यहाँ से डेसिमल फॉर्मेट लॉस हो रहा है, ठीक है जी। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी किया डाटा पेस्ट स्पेशल में गए, तो ये वैल्यूज हम यूज करते हैं, ठीक है जी। इसकी जगह करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। इसमें क्या है आपके पास, देखो डेट फॉर्मेट आपका बिगड़ेगा नहीं, डेसिमल भी रहेगा और फॉर्मूला भी हट जाएगा, ठीक है जी। ये बेसिकली पार्ट होता है नंबर फॉर्मेटिंग का। नंबर फॉर्मेट्स क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पे नंबर टैब है ना, नंबर का एक ग्रुप है। तो इसमें देखते हैं तो ये आपके पास ये आ रहा है नंबर का टैब, तो इस पूरी फॉर्मेटिंग को नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो वैल्यूज क्या है, विदाउट फॉर्मेटिंग के वैल्यू को कॉपी करता है, तो जैसा कि वो जनरल फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जनरल फॉर्मेट है, तो जैसा कि जनरल फॉर्मेट में होते हैं उस तरह से नंबर पेस्ट करता है। तो हम नंबर को वैल्यूज के साथ पेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कई बार नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए होती है, बाकी और फॉर्मेट कुछ चाहिए नहीं चाहिए, नंबर फॉर्मेटिंग चाहिए होती है ताकि डेट अपनी जगह सही रहे और डेसिमल वगैरह चीजें बिगड़े ना, परसेंटेज सही रहे, परसेंटेज अगर हो तो, ठीक है जी। इसके लिए एक और चीज हम देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैश बने हुए हैं। ये हैश क्या है, कि इसमें ये डेटा फिट नहीं हो रहा है, मतलब कॉलम एडजस्ट करने पड़ेंगे। कॉलम जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉलम सेटिंग्स बिगड़ जाती है, मतलब वो नहीं रहती जो आपकी पहले जहां से सोर्स डेटा में आप कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास पेस्ट स्पेशल में ये ऑप्शन है कॉलम विड्थ, कि आप कॉलम विड्थ खाली पेस्ट कर सकते हैं। तो जो कॉलम सेटिंग इसकी थी वही इसकी हो गई, ठीक है सर। ओके ओके ठीक। ओके ओके पहले और एक बार पेस्ट करना क्या भाई? अगर मैं यहाँ पे खाली कॉलम विड्थ पेस्ट करूँ इसके अंदर, तो देखिए यहाँ के कॉलम की सेटिंग पेस्ट होती है खाली, ठीक है जी। तो अभी अच्छा अच्छा जो अच्छा ठीक है, पहले कॉपी करना वैल्यूज एंड फॉर्मेट्स, उसके हाँ बाद कॉलम को साइज पे रखना
करने के लिए फिर से खाली कॉलम बिट को पेस्ट करना। हाँ जी हाँ जी, कॉपी आप एक बार करेंगे फिर इसको पेस्ट करते चले जाइए, ठीक है, जितने एलिमेंट आपको चाहिए। यहाँ पे पेस्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कॉपी करते हैं, ऑल का मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जो भी कॉपी करेंगे सेम पेस्ट होगा। फिर उसके बाद एलिमेंट्स इसके अलग अलग होते हैं कि आपको फॉर्मूले पेस्ट करने हैं, वैल्यू पेस्ट करना है, फॉर्मेट पेस्ट करना है, कमेंट पेस्ट करना है, वैलिडेशन पेस्ट करना है। अब तो जैसे हमने वैल्यूज किया, ऐसे कई बार हमें फॉर्मूले चाहिए होते हैं विदाउट उसके, तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट भी है। हालांकि फार्मूला आपको ज्यादा फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड नहीं होता है, पर फॉर्मूले भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला अपनी जगह है, ठीक है जी, और कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, कमेंट्स नहीं आया, वैलिडेशन नहीं आया जो यहाँ था, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें होता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, ये बॉर्डर छोड़ के सबको पेस्ट करता है, ठीक है जी। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, सोर्स थीम, थीम्स हम अगर वैसे इसमें यूज नहीं करते हैं, थीम्स आपकी यूज होती हैं पावर पॉइंट में, ये होती हैं थीम्स आपकी, ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है, मतलब वैसी फॉर्मेटिंग आपकी वहां कर देता तो थीम्स का कोई यूज नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा ऑप्शन मान के चलिए आप, ठीक है जी। अब इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये कॉपी पेस्ट तो है, आपने देख लिया कि कॉलम विड्थ पेस्ट कर सकते हैं, तो अगर मुझे डेटा को कॉपी पेस्ट करना, कॉपी किया मैंने, पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, फॉर्मेट में आपका सब कुछ होता है। अगर मैं फॉर्मेट को पेस्ट कर दूं तो इसमें आपका नंबर फॉर्मेटिंग इंक्लूडिंग सेल फॉन्ट कलर सब हो जाता है, ठीक है जी, साथ में कॉलम विड्थ कर देता हूं। तो अगर मेरे पास बड़ा डेटा है तो मुझे बार बार इसको देखने से अच्छा मैं पेस्ट स्पेशल का यूज करूँ, काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अभी देखिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम है मेरे पास कि कुछ मेरे पास मान लीजिए कि एक कंपनी चला रहा हूं मैं, उसमें सेल्स है, हर एक बंदा कोई ना कोई सेल्स करता है, कोई स्लिप्स वो मुझे लाके देते हैं, मैं एक बंदा बिठा के कंसोलिडेट कराता हूँ उन स्लिप्स को और उनकी सेल निकालता हूँ, ठीक है। अब उन स्लिप से ये सेल करी गई है, बाद में मुझे कुछ और स्लिप्स मिलती हैं, तो मुझे ये अलग से एक एम्प्लॉय ने मुझे करके दे दिया कि इनका इतना एक्स्ट्रा है, तो अल्टीमेटली ये सेल्स में इतने नंबर्स मुझे और ऐड करने, ठीक है जी। ये देखिए बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू वो सेल सिलेक्ट कर लिया, फिर प्लस ये कर दिया और वो है ना, इसके बाद क्या करते हैं इसको कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं इधर, हाँ जी, पेस्ट एज वैल्यूज करते हैं ताकि वही फिगर यहां आ जाए, है ना। तो देखिए जब हमें कॉपी पेस्ट करना ही है तो अलग से हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका कॉपी पेस्ट में भी ये काम हो जाता है कि हम डेटा को कॉपी करेंगे, इसको ऐड करना है किस पे, सेल्स पे, सेल्स पे जाके राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, ये देखिए यहाँ पे ऑपरेशन का टैब है ना, जिसको बाय डिफॉल्ट नन सिलेक्शन रहता है, तो अब मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड का पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा, तो ये 1268 में ऐड होके कितना हो जाएगा 80, ठीक है जी, तो एडिशन हो जाता है इसमें। इसी तरह से इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है जी, कि कॉपी करके आप डेटा को ये कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसके अंदर, डायरेक्ट कॉपी पे कॉपी पेस्ट के जरिए हो जाता है। सेम प्रॉब्लम में के, तो वो सेल पे चाहिए, हाँ वो चेंज कर देता सेल पे चाहिए, वो सेलेक्ट करके वो बाकी का ऐड ऐड कर देना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए एडिशन करना है उसका जहां पे ऐड होना है उसका एक ही सेल सेलेक्ट करना, हाँ जी हाँ जी हाँ, एक ही सेल सिलेक्ट करना है वो पूरे में कॉपी डेटा, आपको पता है कि अगर आप इसको कॉपी करें एक ही सेल सिलेक्ट करें पेस्ट पूरा ही होगा, तो इम्पैक्ट उस पे रहता है पूरा पूरा, ठीक है जी। अब देखिए इस चीज में हम आते हैं रिप्लेसमेंट पे, अब सेल्स में मुझे रिप्लेस करना है, ऐड नहीं करना, ठीक है। अब रिप्लेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, अच्छा चलिए कॉपी पेस्ट के जरिए ये हो सकता है, पर कॉपी पेस्ट अगर करते हैं तो होता क्या है वो देखते हैं। जब मैंने पेस्ट किया तो क्या हुआ, यहां से ब्लैंक सेल भी कॉपी हो गया इधर, ठीक है जी। अगर किसी तरह से मैं ब्लैंक सेल को कॉपी होने से रोक लूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना सर। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा इसमें,
स्किप ब्लैंक्स, स्किप ब्लैंक्स का, तो ये 75 इसकी जगह चला जाएगा, 65 ये 60। बाकी का ऐसे। हाँ जी, तो ज्यादा डेटा हो तो बड़े आराम से ये सारे आप यूज कर सकते हैं टेक्निक्स, ठीक है सर। उसके बाद है सेल्स, है तो हमारे पास टारगेट भी है। अब आपको डिवाइड का यूज दिखाता हूँ इसमें। अब देखिए अचीवमेंट परसेंट निकालना है मुझे इसमें कि कितने परसेंट टारगेट अचीव किया है, ठीक है। टारगेट हमारे पास है 200, तो मैंने क्या किया, सेल्स को मैं इधर ही कॉपी कर देता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है जिसमें 200 से डिवाइड करना पड़ेगा और बाकी परसेंटेज का आपके पास यहाँ पे ये होता है ना, कन्वर्ट कर देता है ना। इसी केस में मेजर क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 200 को मैंने कॉपी किया और इसके ऊपर जाके सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर, ठीक है। डिवाइड हो गया, यहां से परसेंटेज में कर दिया, ठीक है, परसेंटेज निकल आई। एक्चुअली में टारगेट भी अलग अलग होते हैं, एक बंदे का एक टारगेट तो होता नहीं, अलग अलग होता है। मैं क्या करता हूँ इसमें भी सेम चीज करता हूँ। इसमें मैं सेल को सिलेक्ट किया मैंने पूरे टारगेट्स को और अचीवमेंट परसेंट, अचीवमेंट पे जाके मैंने उसको फिर से डिवाइड कर दिया और परसेंटेज। अब इसमें क्या है कि ये डेटा जो है अपने पैरेलल वाले डेटा से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज होती है कि अगर आप ऐसे 10 सेल हैं तो 10 ही सेल पे उसका इम्पैक्ट जाएगा, ठीक है जी, 11 पे नहीं दे सकते, ठीक है जी। अगर 11 पे देंगे तो वो पहली वाली वैल्यू फिर से आपकी 11वीं वैल्यू को डिवाइड करेगी। अब देखिए इसी में देखिए हर दिन का टारगेट अलग अलग, हर दिन की सेल अलग अलग। अब इसमें मुझे अचीवमेंट परसेंटेज निकालना है, मैं टारगेट को कॉपी कर दूंगा यहां से, अचीवमेंट परसेंटेज पे गया और फिर डिवाइड, ठीक है जी। तो ये आपके चुटकियों का काम होता है, सेकंड्स का काम होता है कुछ भी करना इसमें। वैसे करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे सोचेंगे टाइम लगेगा, है ना। अब इसमें और आगे चलते हैं। फाइनेंशियल में कई बार क्या होता है, हमें बॉस को दिखाना पड़ता है वैल्यू इन करोड़, मतलब ईयरली सेल हो गई, अब करोड़ में दिखाना है कि 6 पॉइंट कुछ इस तरह से। तो वो फिगर आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे 1 करोड़ से करना है, कॉपी किया मैंने और करके डिवाइड बाय करना। हाँ डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया। अभी एक्स्ट्रा डेसिमल आ रहे हैं, इनको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है सर, ये आ गया, ठीक है। पर कई बार क्या होता है हमारे पास, ये जो वैल्यू कंसोलिडेशन होता है ये फॉर्मूला से होता है किसी ना किसी। मान लेते हैं जैसे ये हमारे पास टोटल में कोई फॉर्मूला है ना, सम का फॉर्मूला है। अब इसको हमें वैल्यू इन करोड़ में दिखाना है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम चीज करेंगे, सिलेक्ट करके डिवाइड कर दीजिए, डेसिमल एडजस्ट कर दीजिए। पर इसमें क्या हुआ कि आपका, आप देखेंगे ऊपर फॉर्मूला अमेंड हो गया है, ठीक है सर। तो आपका ये फॉर्मूला लेवल पे भी वर्क करता है, ठीक है सर। ट्रांसपोज आपको पता ही है, कॉपी ट्रांसपोज पता है ना। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो टू कॉलम में वैल्यू हो जाती है और कॉलम से रो में हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद अब देखिए कई बार हमें क्या होता है, लिंक लगाना पड़ता है। तो लिंक के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू लगा के इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, फिर इसको ड्रैग करते हैं, ऐसे ही ड्रैग करते हैं और बाकी हम फॉर्मेट्स इस पे पेस्ट कर देता हूं मैं, फॉर्मेट कॉलम विड्थ भी पेस्ट कर देता हूं। तो इसमें क्या है कि अब देखिए लिंक में क्या होता है कि मैं यहां से वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो वहां पे नहीं चाहिए तो और एक बार ऑर्डर पेस्ट कर देना बस। हाँ ऑर्डर नहीं चाहिए तो और एक बार कॉपी करके
विदाउट बॉर्डर्स पेस्ट कर देना। नहीं ये लिंक है सर, बॉर्डर नहीं चाहिए तो नहीं नहीं इसमें भाई हटाना ही पड़ेगा आपको। ये लिंक है नहीं एक्चुअली, नहीं अच्छा अच्छा ये नहीं नहीं यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये कॉपी हाँ करके हाँ पेस्ट हाँ कर हाँ हाँ नंबर हाँ फोर। वो वहाँ वहाँ पे है कि बॉर्डर नहीं चाहिए तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब लिंक में क्या होता है कि जैसे आप वैल्यू यहाँ चेंज करते हैं मेन सोर्स डेटा में, तो टारगेट डेटा में अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो लिंक में क्या एक परेशानी क्या होती है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि ड्रैग कितना करना है ना। जैसे इस शीट में लगाना है तो मुझे पता पड़ा कि मैं 3 कॉलम इधर जाऊंगा और 10 कॉलम 9 कॉलम नीचे आऊंगा, पर यही डेटा बड़ा होता तो मुझे किसी और शीट पे करना होता तो मुझे बार बार देखना पड़ता कि मुझे ड्रैग कितना करना है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है, जो टेक जिस पे लिंक लगाना है, आप डेटा को कॉपी करो उसको और यहां से आप कर दो पेस्ट, स्पेशल में पेस्ट लिंक का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो एग्जैक्ट ओके लिंक ओके पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस पे फॉर्मेट्स कर सकते हैं, वैल्यूएशन फॉर्मेट। हाँ कॉलम विड्थ वगैरह सब कुछ, तो फटाफट हो जाता है। पर आप देखिए कि इसमें एक और चीज दिखा रहा हूँ, जब हम डैशबोर्ड्स की बात करते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें पेज पे सारा डेटा बनाना पड़ता है, मतलब कंपनी का मेन डेटा एक ही पेज पे होता है। तो उसमें क्या होता है, जगह का एक बार दिक्कत होता है, जगह का इश्यू होता है कि हमारे पास स्पेस कम है। अब यही डेटा मुझे इतनी जगह में दिखाना है तो कैसे पॉसिबल है ना। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, आप डेटा को कॉपी करेंगे, ये पेस्ट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास है पेस्ट एज पिक्चर। अब पिक्चर हाँ में पिक्चर तो एडजस्ट हो ही जाती है ना, पर मैं हाँ आपको लगेगा मैं डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ और फिर अंत में पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि लिंकिंग का काम तो करेगा नहीं। तो यही आपके पास दूसरा ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर। अब ये पिक्चर होने के नाते आपका बड़ा छोटा हो जाता है, साइज एडजस्ट हो जाता है, और कोई चेंज करते हैं इसमें तो इसमें भी आपका चेंज दिखाता है। इनफैक्ट आपका कलर भी अगर चेंज हो तो कलर भी चेंज दिखाता है। और ये पिक्चर है आपकी। और इसका प्राइस क्या है सर? ठीक है सर, ये क्लियर है सर? हाँ, पेस्ट ठीक है सर, तो ये कॉप, लिंक और इसका हाँ कौन सा ऑप्शन है? ये ये पेस्ट लिंक का ऑप्शन कौन? है, ये लिंक्ड पिक्चर का है। कॉपी करेंगे तो यहाँ पे ये पिक्चर लिंक है, लिंक्ड पिक्चर। ठीक है सर, पेस्ट में तो वो साइज एडजस्ट हो जाता है उसका, दूसरा ये वैसे भी चलता है। लिंक्ड पिक्चर का है कि आप देखेंगे यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है जी, और एक और चीज दिखा दूं इसमें, मतलब कॉपी पेस्ट से रिलेटेड तो इतना ही है। जैसे पिक्चर है, कोई भी शेप हम इंसर्ट करते हैं, आप इन शेप्स को भी ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे के में कुछ लिखना है, ठीक है, मतलब के की वैल्यू इस पे चाहिए, शेप के ऊपर फॉर्मूला से चाहिए या डायनेमिक हो, तो मैं क्या करूंगा, शेप सिलेक्ट करके यहाँ चला जाऊंगा, इक्वल टू लगाऊंगा और वो लिंक दे दूंगा। ठीक है, K1 दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें जो भी मैं लिखूंगा वो आपका इस पे दिखाएगा शेप पे। ठीक है सर, इसको आप फॉर्मेट जैसा भी कर सकते हैं। और एक बार करोगे, पहले वो लिंक को ये करना है, शेप को इंसर्ट करके, उसके शेप को इंसर्ट बाद करके आपको इस पे क्लिक करना है और फिर ये फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू लगा के बस सेल सिलेक्ट करनी है। हाँ सर, ये बार फॉर्मूला बाद में। अच्छा, हाँ, तो वहां से जो भी चेंज होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है सर, और आपको बताता हूँ इसमें जैसे एक्सेल में शॉर्टकट्स कैसे यूज करते हैं, कैसे हम शॉर्टकट्स वगैरह सीख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, देखिए पहले तरीके क्या होते हैं इसके,
शॉर्टकट्स को जान लेंगे। पहले तो अपना अपना माउस आप इन आइटम्स पे लेके जा सकते हैं, तो आपको इन आइटम्स पे कुछ शॉर्टकट्स आपको दिखा देगा, स्क्रीन टिप पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं कुछ के, पर हर एक के नहीं आते। मान लो मुझे कि बॉर्डर लगाना है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट। तो जैसे ही ऑल्ट की प्रेस की, एक बार प्रेस करके छोड़ देना है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। जैसे होम पे जाना है मुझे, तो एच कीवर्ड आ रहा है, एच को मैंने प्रेस किया तो बाकी और कीवर्ड आ गए मेरे। बॉर्डर के लिए आ रहा है बी, बी प्रेस किया मैंने। ऑल बॉर्डर्स के लिए आ रहा है ए, ए प्रेस किया। तो मेरा ऑल बॉर्डर्स का शॉर्टकट क्या हो गया, ऑल्ट एच बी ए, ठीक है जी। मान लीजिए मर्ज करना है, ऑल्ट एच होम के लिए, मर्ज सेंटर के लिए एम, और फिर से आ रहा है सी, तो ऑल्ट एच एम सी से मर्ज हो गया। इसी तरह ऑल्ट एच एम यू से अनमर्ज हो गया, ठीक है जी। तो ऑल्ट की के जरिए आप कर सकते हैं ये सब। अब जैसे इसमें मुझे फिल्टर लगाना है, तो फिल्टर के लिए डाटा में जाके ये होता है अपने पास, ये रहा फिल्टर, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट आ रहा है, ऑल्ट डाटा के लिए आ रहा है ए, और फिल्टर के लिए टी, तो ऑल्ट ए टी से फिल्टर लग गया हमारा, ठीक है जी। तो एक तरीका ये होता है। अब इसमें क्या करना है आपने, जैसे ऑफिस में काम करते हैं, जो भी डेली बेसिस पे हो रहा है, कुछ देर के लिए माउस को साइड में रख के ऑल्ट की के जरिए करने की कोशिश करें, तो थोड़े दिन में आपके शॉर्टकट में हाथ साफ हो जाएगा जो आपके यूज का है ना। एक और तरीका है इसमें शॉर्टकट्स का, तो दो तरीके मैंने बताया अभी, कि यहाँ पे टैब पे ले जाके, ऑप्शन पे ले जाके, और दूसरा ऑल्ट की के जरिए। तीसरा है डायलॉग बॉक्स नेविगेशन, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग का ये खोल लेता हूँ। अब इसको नेविगेट करने के लिए क्या करना है, तो जैसे ये ऊपर है टैब्स हैं, टैब में नेविगेट करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्रेस करके रखना है यहाँ, और टैब वन बाय वन करेंगे तो टैब कर रहा है, ठीक है जी। कंट्रोल टैब, हाँ, शिफ्ट भी दबा लेंगे साथ में, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो रिवर्स में आएगा। सिंगल टैब दबाते हैं तो ऑप्शंस के बीच में नेविगेट करता है, ठीक है जी। तो टैब से टैब चेंज होता है, कंट्रोल टैब से आपका टैब चेंज होता है, और खाली टैब से आपका ऑप्शंस के बीच में आता है। अब मान लीजिए मुझे डायरेक्ट रैप टेक्स्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, या आप देख रहे हैं हर एक ऑप्शन पे अंडरलाइन कैरेक्टर है कोई ना कोई, हर एक कैरेक्टर के नीचे किसी ना किसी के नीचे अंडरलाइन है, जैसे रैप टेक्स्ट की है डब्ल्यू के नीचे। तो इसके इसमें क्या करना है, ऑल्ट को हमें प्रेस करके रखना है। पुराने वाले में क्या था, हमें ऑल्ट को एक बार प्रेस करना था, इसमें प्रेस करके रखना है, देन ये अंडरलाइन कैरेक्टर प्रेस करना है, जैसे ऑल्ट के साथ डब्ल्यू, रैप टेक्स्ट हो गया, दोबारा करूंगा हट जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह तो ऑल्ट के साथ अंडरलाइन कैरेक्टर, दूसरा ये ओके आपको दिख रहा है, इस पे ये ग्रीन एरिया है, ब्लू एरिया है, तो इस तरह से कोई हाइलाइटेड बटन होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो एंटर पे एक्टिवेटेड है, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये ओके हो जाएगा, और एस्केप बाय डिफॉल्ट कैंसिल का होता है, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट के तरीके हैं डायलॉग बॉक्स नेविगेशन का आपका। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, ऑल्ट फाइल में एफ, हाँ पी प्रिंट के लिए, और यहाँ पे पेज सेटअप के लिए जी आ रहा है, जी पेज सेटअप का खुल गया डायलॉग बॉक्स। तो लैंडस्केप करना है ऑल्ट एल, फिट टू वन करना है तो ऑल्ट एफ, और ओके के लिए एंटर। तो ये मेरी शीट आ गई, एस्केप से मैं बाहर चला गया। तो मतलब इन सब शॉर्टकट्स को फॉलो करके मैं अपना काम बहुत तेजी से कर सकता हूँ। अब आपको चाहिए कि एक लिस्ट मिल जाए, मतलब ये तो है ही कि कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे रो इंसर्ट करने का, शीट इंसर्ट करने का, नेविगेट करने का, तो वो कहाँ से, पूरी लिस्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कंप्यूटर स्क्रीन पे F1 दबाएंगे, F1 एक्सेल की हेल्प होती है, ठीक है जी।
इसमें टाइप करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट, ठीक है जी, सर्च कर लेंगे। आजा आजा आजा, बड़ा टाइम लगा था, कुछ तो आ रहा है। हाँ, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स इन एक्सेल, ये ऐसे करके आ रहा है, क्लिक करूंगा इसको तो ये पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ऑल्ट की वाला, और ये कंट्रोल की वाले, कंट्रोल पेज, डाउन पेज अप, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ये सारे कंट्रोल वन, कंट्रोल टू, कंट्रोल थ्री, कंट्रोल बी, हाँ हाँ कंट्रोल। भैया, हमेशा टैब में घूम के चेक करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत जगह घुमाना पड़ता है, ये तो यहां से आप पूरी लिस्ट ये निकाल सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, या हर एक्सेल में होता है F1 दबा के निकाल लीजिए, ठीक है। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके काम के हो एक बार देख लीजिएगा, जो जो काम के हो उनको नोट कर लीजिएगा, जो ऑल्ट वगैरह से ना हो वैसे, ठीक है जी। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे हम लोग, ठीक है सर। ओके कब कब करना है भाई? कल इसी टाइम कर लेंगे, बात कर कल लेंगे। इस टाइम को मेरा चर्च रहेगा भाई, अच्छा, चर्च रहेगा 2 बजे, 2 बजे ठीक, 11 बजे से करेंगे तो ठीक है। भाई ये सब ऐसे इतना मैं मानता हूँ, मगर थोड़ा दे अच्छा हुआ आपने बता दिया भाई, इसको हाँ मैं अगर 10 मिनट ले रहा हूँ बोले तो इससे मैं 5 मिनट में कर सकता हूँ मैं, हाँ 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 ठीक है। ऐसे ही ये सारा मटेरियल मेरा ऐसा ही है। तो वो आपको अब ये जो हमारा सेशन हुआ है, इसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर में, मतलब आज हो पाएगा तो मैं आज आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा स्काइप के ऊपर, फिर वहां से आप डाउनलोड कर लेना उसको यूट्यूब। मैं डाउनलोड नहीं करूंगा भाई, डाउनलोड किया तो जेल जाऊंगा मैं। नहीं, यूट्यूब से आप मेरा वाला तो कर सकते हो ना। नहीं, यूट्यूब का यहाँ पे जर्मनी में वो रूल है, डाउनलोड किसी चीज का नहीं करना है, यूट्यूब यूट्यूब अच्छा, कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकते? नहीं भाई, म्यूजिक वाले ऐसा कुछ डाउनलोड कर दिया तो हाँ, 3,000 यूरो का फाइन आएगा। नहीं, म्यूजिक वाले पे नहीं, मेरी वाली है, मैं तो परमिशन दे ही रहा हूँ। नहीं, अच्छा, फिर भी YouTube से पता नहीं, मैं ऐसे ही देख लो, ये सब देख लेने इतना काफी है मेरे को। मैं जब भी इंटरनेट तो रहेगा है ना, मैं उसको हाँ लिंक मैं ऐसा बुकमार्क करके